सार्वजनिक सुविधाएं, केवल निजी आय से ही हम अपने बेहतर जीवन के लिए सभी आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं नहीं खरीद सकते। जैसे अपनी आय से हम प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते, इसके लिए हमें शुद्ध वातावरण वाले परिवेश में जाना होगा। पैसा भी हमें संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता, इस हेतु स्वच्छ वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है ताकि बीमारियों के फैलाव से बचा जा सके। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु पृथक पृथक सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किए जा सकते, परंतु एक सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार हमें कई सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए स्वच्छ पेयजल की सार्वजनिक उपलब्धता से सभी लोगों को फायदा होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारू व्यवस्था से लोगों को राशन जैसी मूलभूत सुविधाएं कम कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं। इससे कुपोषण का स्तर कम होता है। मूलभूत सार्वजनिक व्यवस्था का प्रभाव लंबे समय तक कैसे रहता है, इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आज़ादी के समय हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षा का स्तर बहुत कम था। 1991 में यहाँ के केवल 64% लोग साक्षर थे। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पाठशालाओं का विकास करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। हालांकि सरकार एवं जनता दोनों ही शिक्षा के लिए उत्सुक थे। राज्य सरकार ने पाठशालाएं शुरू की और निःशुल्क अथवा कम लागत पर शिक्षा सुनिश्चित किया। धीरे धीरे इन विद्यालयों में शिक्षकों, कक्षाओं, शौचालय तथा पीने के पानी आदि की सुविधाएं दी गई। यह आश्चर्यजनक है कि वर्ष 2005 में, जबकि पूरे देश में प्रत्येक बालक बालिका की शिक्षा पर औसत 1,049 रुपये खर्च किए जा रहे थे, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह खर्च 2,005 रुपये था। इस राज्य में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, फलस्वरूप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया। यहाँ शिशु मृत्यु दर तथा लड़कियों की बाल मृत्यु दर में भी कमी आई। यहाँ की महिलाएं कामकाजी एवं आत्मविश्वासी हैं। खुद भी घर से बाहर काम करते हुए अपनी बेटियों से बाहर काम करने की उम्मीद रखती हैं। ग्रामीण मंडलियों में इनकी सक्रिय भागीदारी है। इस प्रकार शिक्षा ने इस प्रदेश में काफ़ी बदलाव ला दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 83.98% तक पहुंच गई है। अब इस राज्य का मानव विकास सूचकांक अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर है। इसकी एक झलक नीचे दी गई तालिका 17.7 में देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष से अधिक स्कूली शिक्षा पाने वाले छात्र छात्राएं। इस प्रकार हमने इस अध्याय में विकास की अवधारणा को जानने का प्रयास किया। विकास के मापन हेतु हमारे पास कई मापदंड मौजूद हैं। इन मापदंडों के आधार पर मानव विकास संकेतकों में हुई प्रगति का जब हम अनुमान लगाते हैं, तब विकास का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। आय, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा तथा समाज में पोषण का स्तर जैसे मानकों की कसौटी पर खरा उतरने वाला विकसित समाज की श्रेणी में रखा जाता है।